हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी फ्लाइंग फ्रेंड्स पहले आप ये वीडियो देख लीजिए उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आपसे बात करूँगी आई होप ये वीडियो जो अभी मैं चलाऊँगी वो आप उसको बहुत गौर से सुनिएगा उसी पे ये बात है प्लीज इसको गौर से देखिए आपने ये देख ली होगी जो भी है मैंने आपको दिखाई है और बहुत अच्छे से सुन भी ली होगी और जो हस्ती इस वीडियो में है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है वो है हमारे शाहरुख खान हम सब के प्यारे अभिनेता शाहरुख खान जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमें एंटरटेन करते आए हैं तो आपने सुना होगा उनकी बात और हाल ही में आपने उनके लड़के का केस भी देखा होगा कि वो ड्रग लेने के मामले में फंस गया है और अभी वो ज़मानत पे चल रहा है उसकी बेल हो गई है लेकिन बहुत दिन तक के उसको जेल में रहना पड़ा तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि बहुत सालों पहले जब शाहरुख ने इंटरव्यू ये नेंदीव्यू विद सिम ग्ररेवाल जो शो का नाम था उसमें ये इन्होंने बोला था जो उनको खुद नहीं पता था कि कितने सालों बाद उनकी ये कही बात सच भी हो सकती है तो फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उन्होंने किस मसले पे कही थी किस मीनिंग में कही थी मजाक में कही थी जैसे भी कही थी लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि उनका लड़का मैं उसको करने दूंगा ये सब अगर वो करना चाहेगा तो आज वो इतना परेशान है इस बात को ले कर तो मैं बस एक बात ये सोच रही थी कि हमें कभी भी अपने मुँह से गलत बात नहीं निकालनी चाहिए चाहे जैसा हो अब वो सोच रहे होंगे कि मैंने किस मनहूस घड़ी में ये इंटरव्यू दिया था तो फ्रेंड्स कोई घड़ी मनहूस नहीं होती है गलत जो होती है वो आपकी बात होती है और वो वक्त होता है कबूलियत का जब आप गलत बात करते हैं और आपकी बात कबूल हो जाती है और कितने सालों बाद जाकर वो बात लगती है आपको पता भी नहीं लगता है तो मेरा बस ये कहना है कि खुशी से रहिए हंसी से रहिए सबका अच्छा सोचिए और हर वक्त अच्छी ही बात कहिए क्योंकि पता नहीं किस वक्त कौन सा कबूलियत का वक्त हो जो इस वक्त आपकी कहीं मुंह से निकली सच हो जाए तो हर वक्त अच्छी अच्छी बात करना चाहिए कभी भी अनजाने में या गुस्से में भी कोई ऐसी बात नहीं निकालना चाहिए जो फ्यूचर में आपको वापस देखनी पड़े और लोग आपका मजाक उड़ाएं जैसा कि इस वक्त सब शाहरुख खान का मजाक उड़ा रहे हैं इस वीडियो को लेके जो उन्होंने कभी जाने जाने में मजाक में कही थी बस मैं इस वीडियो के जरिए बस यही आप तक पहुँचाना चाहती थी तब आगे के लिए वीडियो के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कॉमेंट्स करिए बाय बाय